आपण म्हणतो मोठी मूर्ती आतमध्ये विसर्जित होते, बघा मोठी मूर्ती देखील बाहेर येते. किती राग आला पाहिजे ही मूर्ती बघून विसरत करतात. आता मोठ्या मूर्त्या बघू शकतात कशा बाहेर आलेल्या आहेत. मित्रांनो, आपण गणपतीचं विसर्जन करतो पण ह्या मूर्त्या बघा कशा तुटलेल्या अवस्थेत किनाऱ्यावर येतात. खूप वाईट वाटते अशा मूर्त्या बघून. तुम्ही अजून मूर्त्या बघू शकता. बघा इतकी सुंदर मूर्ती असेल तर बघा हात तुटलाय, बघा सोंड तुटलेली आहे, मूर्तीचे हात पाय सगळे तुटलेले आहेत. अजूनही मूर्ती आहेत, तुम्हाला दाखवतो मी. बघा इथं किती किनाऱ्यावर आलेल्या मूर्त्या आहेत. बघा प्रचंड मूर्त्या अशा बाहेर आलेल्या आहेत, छोट्या मोठ्या. बघा इतक्या मूर्त्या या गिरगा चौपाट्यावर बाहेर येतात. तुम्ही इको फ्रेंडली गणपती घ्या, जेणेकरून तुम्ही फ्रेंडली गणपती घेता ते मातीचे असतात. पाण्यात विरघळून आपण ते पाणी कुंडीमध्ये टाकू शकतो. हे तुम्हाला मी दाखवतोय, राग नका म्हणू, त्याचं तात्पर्य तुम्ही समजून घ्या. बघा किती मूर्त्या बाहेर आलेल्या आहेत. आता विसर्जन झालेल्या ही मूर्त्या बघा बाहेर आलेल्या आहेत. या विसर्जन केलेल्या मूर्त्या बाहेर आलेल्या आहेत. बघा विसर्जन झालेल्या मूर्त्या बाहेर आलेल्या आहेत, ज्या अर्धवट पाण्यात आहेत त्या. पाणी अजून कमी झालं, ती मूर्ती देखील पीओपी का जो मूर्ति का जो है डिमांड्स है कस्टमर का, क्योंकि फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, पर वो ये नहीं सोचते हैं कि अपने फ्यूचर में पर्यावरण का क्या हाल हो रहा है. जी, पीओपी का जब मूर्ति विसर्जित कर किया जाता है तो जिस तालाब में या कहीं नदी में या कहीं रिवर में या सी में या समुंदर में, तो वो वहीं के वहीं आ जाते हैं. और तालाब से वो बाहर 4-5 दिन जब देखने जाएंगे, जैसा हर मीडिया अपनी यहाँ से अभी दिखाई देती है, लोगों ने शाडो की मिट्टी या पेपर मैश का जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, लोगों की पसंद ही आ रही है, और लाल मिट्टी में इसी मूर्तियों में 100% प्रेफरेंस देना चाहिए, ना कि पीओपी के लिए. जैसे कि हम कहते हैं मुंबई मेरी जान, वैसे ही हम आज थाने में है, थाने माजा गौरव. तो जैसे कि गणेश महोत्सव कुछ ही दिन दूर है और हमारे बीच बहुत ही बढ़िया शख्स है और बढ़िया कलाकार और मूर्तिकार है यहाँ पे, सचिन मोरे आज यहाँ पे उपस्थित है. सचिन जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ उपस्थित रहने के लिए. बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है. किस तरह से आपने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया है? मेरा नाम सचिन मोरे है. मैं थाना में अभी यहाँ पे सेलिंग का काम कर रहा हूँ मूर्तियों का. इसके पहले ग्रेजुएशन होने के बाद स्टेप बाय स्टेप जैसा अपन काम लग जाते हैं मूर्तियों को बनाने के में, तो शुरू में हमने स्टार्टअप करके हमने शुरू किया था 2003-04 में. वो अभी तकरीबन 19-20 साल हो गए इसी बिजनेस लाइन में. अब ग्रो अप में कैसा है कि हम लोग मूर्तियाँ बनाने का काम शुरू किया था, आज हम रिटेल काउंटर पे भी हम सेलिंग का काम चालू है और कस्टमर का फीडबैक भी अच्छा है. डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर टू सेलर बायर तक मूर्तियाँ मिलने का ये है, और लोगों का विजन भी बढ़ रहा है. अभी आज मैं थाना में हूँ बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा मुंबई में भी है या पुणे में भी है. डे बाय डे हम जब चालू किया था 100-200 मूर्तियाँ थी, आज तकरीबन 2500-3000 मूर्तियों तक हम पहुँच गए हैं. और कस्टमर का फीडबैक एवरी ईयर कुछ अच्छा ही अच्छा आ रहा है, जा रहा है, और वो हिसाब से हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं. बहुत ही बढ़िया मूर्ति है यहाँ पे. किस तरह से व्यवसाय आपने फैलाया है? अब तो गणेश महोत्सव है इसलिए अब गणेश की मूर्तियाँ हम देख रहे हैं,
आगे जाके मतलब किस तरह की तैयारी दशहरा के लिए, दिवाली के लिए या उसके आगे? दशहरा और दिवाली में दशहरे का कैसा रहता है, हम 10-3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त पकड़ा जाता है, तो वो दशहरे के दिन हम ये गणपति फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद दशहरे के जो मुहूर्त है उसी दिन से हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फिर से स्टार्टअप कर लेते हैं। वो नेक्स्ट ईयर के गणेश उत्सव तक चलते रहते हैं और ये कंटिन्यूटी बिजनेस एवरी ईयर यही प्रोसेस होते रहते हैं। शुरू में दशहरे के दिन एक मूर्ति हम बनाना चालू करते हैं, उसके नेक्स्ट डे से हमारा कंटिन्यूटी में अलग अलग हर कोई मॉडल पर कामकाज चालू हो जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरह की कलाकारी आपकी मूर्ति से दिख रही है, आपको इस व्यवसाय में इंटरेस्ट था या तो फिर एक बिजनेस के तौर पे आपने? इंटरेस्ट तो ऐसा कुछ मतलब बोल नहीं सकते, ये पारंपरिक हमारा पहले से मतलब बिजनेस है, हम देखते हुए भी आए हुए हैं ये बिजनेस में, और अपने यहाँ का खुद का बिजनेस है तो फिर हम वो कंटिन्यूटी में खुद ही मतलब चल बसे अपन उसी बहाव में, जो बोलते हैं ना वो गणपति का जो पहले से देखना वगैरह करना वगैरह है वो पहले से अपने को ज्ञान था ही, तो वो कंटिन्यूटी में हम सब लोग करना फिर से चालू कर दिया मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग वगैरह में प्रोसेस में। जैसे हम मूर्ति की बात कर रहे हैं, कितना मेहनत जाता है इस मूर्ति को बनाने में? मेहनत तो बहुत लगता है शुरू से, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से लेके उसको साँचे में से निकालना, उसके बाद पॉलिशिंग करना, उसके बाद उसका कोटिंग करो, कोटिंग करने के बाद उसको कलरिंग करो, कलरिंग होने के बाद आइस ग्लो है वगैरह जो भी है, ज्वेलरी है या कपड़ा, लोगों को जिनका जिनका रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से उनको कपड़ा पहनाओ वगैरह, फेटा लगाओ या ज्वेलरी है जी, वो हिसाब से 10-15 बार हर किसी किस्म के लोगों को हाथ लग ही जाता है जी। अलग अलग सेट ऑफ कस्टमर्स को अलग अलग उनकी राय रहती है, राय रहती है, राय के हिसाब से उनको बना के देने का काम अपन लोग करते हैं। जो आप कलर कॉम्बिनेशन करते हो वो क्या सोच रहती है उसके पीछे? कलर कॉम्बिनेशन ऐसा रहता है कि देखने जाए तो शुरू से आज तकरीबन 150-200 साल पूर्व पीला पीताम्बर लाल शैला यही प्रोसेस में लोगों का पहचान मतलब पहना, पर अभी क्या है लोगों का हर जैसे जैसे कलर कॉम्बिनेशन चेंज होते जा रहे हैं वो हिसाब से लोगों की डिमांड आ रही है। अभी सिंगल कलर में है, अभी आप देखने जाएंगे तो चिटवाला का गणपति है वो जी रेड कलर में है, या गणपति पुले रत्नागिरी का जो है वो ऑरेंज कलर में दिया हुआ है, सिद्धिविनायक है दादर का उसका ऑरेंज कलर में है, तो वो जैसे भगवान के रूप में कलर कॉम्बिनेशन दिए गए हुए हैं वो हिसाब से लोगों की भी डिमांड मूर्तियों में बढ़ रही है। वो हिसाब से अलग कोई कृष्ण भगवान के रूप में मांगती है या कोई अलग अलग इसमें मांगने का कस्टमर का डिमांड है, वो हिसाब से जब कृष्ण भगवान का रूप जब सामने आता है तो अपने पास अलग ही कलर कॉम्बिनेशन या नीला कलर में पूरा सिंगल कलर बांसुरी वगैरह ये जब देखने जाए तो वो हिसाब से अपन कस्टमर के डिमांड फिलफिल करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, पहले तो अभी जब मूर्तियाँ बनती थी वो मिट्टी से बनाई जाती थी, अब इको फ्रेंडली गणपति आ गए, तो ये जो ट्रेडिशन जो चेंज हुआ है उसके बारे में क्या सोचते हैं आप मूर्तिकार? शुरू में हम शुरुआत जब किए थे तो आज तक अभी भी शाडू मिट्टी और पेपर मैश में ही हम पेपर या लाल मिट्टी में काम कर रहे हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप शाडू मिट्टी का वेट जो कैलकुलेशन है अभी हर किसी मतलब तुम्हारे और हमारे में हम शाडू मिट्टी का 1.5 फीट या 2 फीट का मूर्ति आराम से उठा सकते हैं, पर जो एज वाले जो पर्सन हैं उनको वो उठाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। उसके लिए हमने क्या किया है कि पेपर मैश का बनाया है, मतलब कागदाचा लगदा मराठी मध्ये म्हणतात, तो कागदाच्या लगद्यापासून जी मूर्ती बनवली जाते त्यामध्ये 60% कागदाचा लगदा आणि 40% शाडू माती अशामधून बनवल्यानंतर मग त्याचं वजन बघायला गेलात तर तकरीबन 40-50% डिक्रीज होऊन जातं। वो हिसाब से हम लोग पेपर मैश का भी बनाना चालू किया है। अब ये देखने जाए तो शुरू से शाडू मिट्टी और लाल मिट्टी इन दो में ही मूर्तियाँ बनाते थे, अभी क्या है ट्रेंड जैसे जैसे अभी ये देखने जाए 2000 या 2005 से तो वो बीच में जो POP का जो मूर्ति का जो है डिमांड्स है कस्टमर का, क्योंकि फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, पर वो ये नहीं सोचते हैं कि अपने फ्यूचर में पर्यावरण का क्या हाल हो रहा है जी, तो वो हिसाब से देखेंगे तो बेटर देन मतलब बेटर अब मेरे सुझाव से तो शाडू मिट्टी या लाल मिट्टी या पेपर मैश का मूर्तियाँ लोग
उस बारे में सोचना चाहिए और लेना चाहिए। तो मतलब आपका सुझाव यही है कि ज़्यादा जो अपन इको फ्रेंडली गणपति जी की मूर्तियाँ बनाए वही बेटर है, प्यूब की मूर्तियाँ कम बनाए क्योंकि कम बनाए काफ़ी इसमें नुकसान हो सकता है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट का बराबर है वो। एक्चुअली क्या हो जाता है जब पीओपी का जब मूर्ति विसर्जित कर किया जाता है तो जिस तालाब में या कहीं नदी में या कहीं रिवर में या सी में या समुंदर में तो वो वहीं के वहीं आ जाते हैं और तालाब से वो बाहर चार पांच दिन जब देखने जाएंगे, जैसा हर मीडिया अपनी यहाँ से अभी दिखा देती है लोकल न्यूज़ चैनल या बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं, वीडियोस वायरल हो जाते हैं कि भाई सब मूर्तियाँ देखने जाए तो समुंदर के किनारे सब आ जाते हैं या कोई रिवर रहेगा या नदी रहेगा उसके बाहर सब कोने पे किनारे पे आ जाती है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि लोगों ने शाडो की मट्टी या पेपर मैश का जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है लोगों की पसंद ही आ रही है और लाल मट्टी में इसी मूर्तियों में 100% प्रेफरेंस देना चाहिए ना कि पीओपी के लिए। जी बिल्कुल, बहुत सारी भावनाओं को दुख देते हैं हम जब ये देखते हैं। तो अपन देखने जाएंगे तो वही तो आप बाद में आप जिस दिन जिस 10 दिन 5 दिन जो भी लोग अपने घर में जब भगवान की मूर्ति अर्चना करते हैं या पूजा पाठ करते हैं उसके 10 दिन बाद वो मूर्तियाँ बहते बहते समुंदर किनारे आए उसके कुछ वैल्यूएशन ही नहीं है और जी पूजा करने में बहुत बुरा लगता है ये देख के। बुरा लगता है। तो आप यही कहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि इको फ्रेंडली गणपति ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे लाए और सपोर्ट करें इको फ्रेंडली गणपति से। बराबर है, ठीक है। कुछ और चीज़ें पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से आप मूर्तियाँ बनाते हैं क्या कोई गवर्नमेंट द्वारा कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन देखना चाहिए तो हर साल बोलते हैं कि पीओपी के लिए बंदी निकाले है बंदी निकाले है, पर एंड ऑफ द मोमेंट स्थानिक स्तर से या मीडियम लेवल से फिर से पीओपी का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाता है और मार्केट में वही आ जाती है। अभी आप शुरू में देखने जाए जब ये एग्जिस्टिंग सरकार है पीओपी के लिए बंदी निकाला था बम्बई में है, पिंपरी चिंचवड़ में है या वसई विरार में है जी, या पुणे सिटी में है, नासिक में है, हर किसी कलेक्टर या जो भी उपायुक्त है आयुक्त है उन्होंने निर्देश निकाला था कि भाई इतने इतने ही मूर्तियाँ हर किसी सेलर को या मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चरिंग करना है या वहाँ पे बेच सकेंगे। उसका नोटिफिकेशन कंसर्न पर्सन जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या नगर परिषद है उसको इंटीमेशन करना है या मालूमत जो भी है वो देनी है, पर मीनवाइल अब आज के डेट में देखने जाएंगे तो उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चल ही नहीं रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसलिए इतना एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है, क्लाइमेटिक की जो चेंज आप देख रहे हैं मुझे लगता है बहुत सारा, जैसे कि दिसंबर में भी बरसात हुई थी इस बार, मतलब जनवरी फरवरी में भी हमने बरसात देखी थी। तो ज़रूर पेपर गणपति, पेपर क्ले गणपति, साथ ही साथ इको फ्रेंडली गणपति आप घर पे लेके आइए, यही हमारी व्यूअर्स से सूचना है और हमारा रिक्वेस्ट है। साथ ही साथ ये तो हुई मूर्ति की बात, अब कुछ जैसे कि आपकी रुचि काफ़ी है इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक को लेके, गणेश जी का जो त्यौहार है इतनी बढ़िया धूमधाम से मनाई जाती है 10 दिन तक, कोई कोई तो 1 महीने तक मुझे लगता है 21 दिन तक ये त्यौहार मनाते हैं। तो जो भी पहली बार स्थापना करना चाहता है अपने घर में गणेश जी की मूर्ति की, तो क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए उन्हें? गणपति की जो स्थापना की जाती है हर घर में कोई मनोकामना रख के किया जाता है या उनके पूर्वजों के हिसाब से देखने जाएंगे जो जो 100-200 साल से जो ट्रेंड चल रहा है जी, तो वो ट्रेंड से वही मूर्तियाँ हर किसी के घर में लाई जाती है जी। और जो जिनकी मनोकामना है मतलब किसी भी भगवान है या मतलब कहीं गणपति के इधर दर्शन पे जाए या भगवान से प्रार्थना करते हैं भाई हमारे यहाँ पे ये हो जाए वो हो जाए या हमारे घर में ये अड़चनी है वो हमारी सफलता से पूरे क्लियर हो जाए, तो वो अगले साल से वो मनोकामना रखते कि हम अगले साल से बापा जी हम आपको घर पे लाएंगे, वो हिसाब से लोग ट्रेंड के हिसाब से मतलब ये हिसाब से लेके आना चालू हो जाते हैं जी गणपति। और वो मेरा एक कहना है कि भाई वो 1 साल के लिए ना लाए, वो कंटिन्यूटी में लाते रहे ताकि वो चार पाँच दिन जो भी गणपति वो लेके आते हैं उस टाइम पर जो क्लाइमेक्शन घर में रहता है या घर में जो वातावरण रहता है बहुत बढ़िया रहता है, जो
एनर्जेटिक शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है जी। वो हर साल लाए और उनके भगवान की मनोकामना जो भी है उन्होंने आपकी पूरी की है, तो वो हर साल लाते रहे, आपको भी सुख मिलता रहेगा जी। बिल्कुल, व्यवसायिक तौर पे गणपति गणेश महोत्सव कितना बड़ा है आप सब व्यवसायिक क्या की माने तो? महाराष्ट्र में जो देखते जाए या हिंदू कल्चर में देखते जाए तो गणेश उत्सव का महत्व बहुत ज़्यादा है जी। और एक्साइटमेंट मतलब उसमें ये ऐसा नहीं कि हिंदू है या कोई सिख है या कोई गुजराती है या मारवाड़ी है, हर कोई ये कल्चर एक्सेप्ट कर लेता है और घर में लेने गणपति की मूर्ति। आज हम देखने जाए हम जब मैन्युफैक्चरिंग से लेके रिटेल काउंटर तक जब बेच रहे हैं तो यहाँ पे कस्टमर बेस देखने जाए तो हमारे यहाँ पे मराठी लोग नहीं, यहाँ पे गुजराती लोग भी लेके जाते हैं, मारवाड़ी लोग भी लेके जाते हैं, क्रिश्चन लोग लेके जाते। आज तो देखने जाए तो हमारे यहाँ पे एक मुसलमान व्यक्ति है जो है वो मूर्तियाँ मोहम्मद करके है, वो आज हमारे यहाँ से मतलब महाराष्ट्र में देखने जाए या भारत में देखा, हिंदू राष्ट्र के हिसाब से देखने जाए तो कल्चरली देखना जाए तो सब लोग मूर्तियाँ लेके जाते हैं जा रहे। तो कोई रिलीजन नहीं है, कोई रिलीजन है, क्रिश्चन है, सभी लोग ये मूर्तियाँ खरीद रहे और गणेश महोत्सव मना रहे ये बहुत ही बढ़िया बात है। इसमें हमारी एकता दिखती है, एकता दिख रही है जी। बिल्कुल, किस तरह की तैयारियाँ आप व्यवसायिक लोग करते हैं जब गणेश महोत्सव यहाँ पे अब इतने नज़दीक है? हमारी तो बुकिंग बोले तो शुरू से पाड़वा से ही शुरू हो जाती है। ऑनलाइन बुकिंग हमारा कैटलॉग या ब्रोशर्स रहता है, वो हिसाब से लोग ये नंबर का ये इतने इतने साइज़ का जो लोगों का डिमांड है और नहीं बोला तो 30-40% बुकिंग या पाड़वा या अक्षय तृतीया जो 3.5 मुहूर्त है महाराष्ट्र में भारत में जो माने जाते हैं उसमें उसी दिन हो जाते हैं। उसके बाद नए जो कस्टमर्स है या नए जो क्लाइंट्स है या रेगुलर क्लाइंट्स है वो पर्सनली आके देखते हैं मूर्तियाँ कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है। वो जिस दिन गणपति की स्थापना होती है उसके 2 या 3 महीने पहले हम डिस्प्ले लगा देते हैं हर मूर्ति का, और जिसके कस्टमर के एक पैटर्न है समझ लो, एक टिट वाला गणपति है, सिद्धिविनायक गणपति है, तो वो पैटर्न का गणपति का कलर कॉम्बिनेशन या धोतर पीताम्बर या कलर बॉडी कलर या कॉम्बिनेशन जैसा चाहिए वो हिसाब से हम लोग बना के दे देते हैं। जिस तरह की हम बात कर रहे हैं गणपति महोत्सव की, लेकिन 3 साल पहले यहाँ पे कोरोना मतलब कोरोना ने वास किया था, बहुत सारे लोगों की जान गई थी, बहुत सारे व्यवसाय ठप हो गए थे, तो किस तरह से आपने इस व्यवसाय को मेंटेन किया? कोरोना में तो बहुत सारी मुश्किलें आई थी शुरू में, तो देखने जाए तो जो हमारे अभी तक हम 5 फीट तक मूर्तियाँ बनाते थे तो उसका मैन्युफैक्चरिंग एक सम ऑफ क्वांटिटी रहता है हर साल जी। तो वो टाइम पे महाराष्ट्र शासन ने निर्बंध लगा दिए थे 3 फीट या 4 फीट तक ही मूर्ति सेल आउट जी। मतलब बना सकते हैं करके, तो वो टाइम पे 5 फीट का मूर्तियाँ जो हमने बना के रखे थे उसका सेलिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, पर मीनवाइल देखने जाए तो छोटियाँ जो मूर्ति थी तो वैसी परिस्थिति कभी ना आए, और आए तो फिर लोगों ने भी उससे सीखना चाहिए कि भाई उस टाइम पे हमने 2 फीट या 4 फीट या 5 फीट या 10 फीट का जो भी मूर्तियाँ रखे थे वो सब लोग मतलब लालबाग राजा के जैसा मत गणपति मंडल वो भी आज 4 फीट का मूर्ति बिठाया था उस टाइम पे या जो कोविड का के इसमें समय तो उस समय पे तो देखने जाए तो जो गणपति की हाइट्स है वो आज किया कि मतलब जो बड़े जो मूर्तियाँ जो बनाते वो सब POP में बनाए जाते हैं जी, और वो सब जो है उसको समंदर में के अंदर ही डुबाया जाता है या विसर्जित किया जाता है, तो वो विसर्जित करने के बाद वो मूर्तियाँ फिर से अंदर जो समुंदर के अंदर जो पशु है या मच्छी है या फिश वगैरह जो है उनको वो तकलीफें होती है, उसके ऊपर केमिकल कोटिंग किया जाता किया है जाता या केमिकल कलर यूज़ किया जाता है, तो उसे समुंदर के अंदर या नदी के अंदर या तालाब के अंदर जो भी मछलियाँ रहती है या फिश वगैरह जो भी अलग पशु पक्षी रहते हैं उनको हानि होती है तो मेरा एक ऐसा सुझाव है कि भाई जो भी मूर्तियाँ कर रहे हो वो शाडू माती या इको फ्रेंडली कलर यूज़ करके उसको विसर्जित किया जाए। और कोविड के इसमें देखने जाए तो जो निर्बंध लगाए थे 3 फीट या 4 फीट तो वो कंटिन्यूटी में रहना चाहिए, मतलब मूर्तियाँ की हाइट वगैरह ये जो है मैटर जो कर रहा है जी। तो वो हिसाब से
डेढ़ फीट जो लोकमान्य तिलक ने जब स्थापना की थी वो डेढ़ फीट तक ही थी हाइट उसकी, डेढ़ या दो फीट तक। तो आज देखने जाए तो वो ट्रेंड अभी के जो क्लाइमेक्शन है या लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी साइज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और मार्केट में जो बड़े गणेश उत्सव है आज कंपटीशन बढ़ गया है, मेरा 21 फीट का है तो तेरा 22 फीट का है। ओके, तो वो तो नहीं की वजह से, लेकिन वो भगवान के लिए तो वो नहीं होना चाहिए मेरा एक, वो कंपटीशन के वजह से ही इतने सारी अभी हामी हो रही है हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो आप देख रहे हैं। आपके आपके जो स्टोर है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बड़ा ये मंच है आपको बताने के लिए आपके स्टोर का नाम, और प्लस बताने के लिए क्या क्या ऑफर्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे है आज तक मार्केट में ट्रेंड ऐसा देखने जाएंगे तो जो भी है कोविड के इसमें देखेंगे तो वेजिटेबल से लेके या जो भी मैन्युफैक्चर है वो बीच में ट्रेडर्स और ये सब लोग नहीं थे, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, ये जो ट्रेंड था वही कंसिस्टेंसी हमने ये कोविड में सीखा हुआ है जी। कोविड के बाद में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर यहाँ तक पहुँचने के माध्यम बीच में आने के लिए हमने पुणे हो गया या बम्बई हो गया या मुंबई हो गई ये एरिया में हमने शॉप्स डाले हुए जी। वहाँ पर डिस्प्ले लगाया हुआ है तकरीबन 1200 मूर्तियों का, और वहाँ पर लोग हर किसी के अलग अलग मूर्तियाँ डिज़ाइन वर्क है वो इसमें लोग प्रेफरेंस देते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो मूर्तियों को सिलेक्शन करके बुकिंग करके अपनी मूर्तियाँ लेके जा रहे हैं। देखने जाएंगे तो हम लोग अभी हम यहाँ पे नौपाड़ा करके थाना एरिया है, प्रीमियर सेंटर में है जो थाना में, वहाँ पे नौपाड़ा में घंटाली चौक है, घंटाली चौक में कामथे मैदान में हम यहाँ पे बिक्री का स्टॉल लगाया हुआ है श्री गजानन कला केंद्र करके अपने शॉप्स का नाम है, और बहुत सारे मतलब यहाँ से नियर अबाउट 20 किलोमीटर से लोग आ जाते हैं मतलब यहाँ से घोड़बंदर ओला माजीवड़ा से लेके यहाँ से घाटकोपर से भी चेंबूर हो गया या कल्याण वगैरह भिवंडी वगैरह एरिया से भी यहाँ पे लोग आ जाते हैं बुकिंग कर देते हैं और यहाँ से मूर्तियाँ डायरेक्टली वहाँ पर लेके जा रहे हैं अपने अपने घरों में जी। बिल्कुल, घंटाली नौपाड़ा थाना में स्थित है, सत्यम कलेक्शन के ऑपोजिट में ही है ये शॉप। मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा इनका मोबाइल नंबर, नीचे नोटिफिकेशन में आपके आएगा ज़रूर। हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल सकती है, गणपति की मूर्ति से लेके जाके एक जैसे कि मैंगोज मतलब हर एक, देवगढ़ के अपना खुद का फार्म है रत्नागिरी में, वहाँ से अपने खुद के रत्नागिरी से मैंगोज लेके आते हैं, रत्नागिरी अल्फांसो करके बोला जाता है उसे, देवगढ़ का भी अल्फांसो हमारे फ्रेंड सर्कल फार्मर्स है फ्रेंड्स लोग, वहाँ से भी हम देवगढ़ का अल्फांसो लेके आ जाते हैं। ये साइमेंटेनियसली साइकिल जैसा चलते रहता है, ग्रेप्स में है तासगांव में हमारे रिलेटिव्स हैं वहाँ से ग्रेप्स लेके आते हैं, वो रिटेल काउंटर पे हम यहाँ पे डायरेक्ट मतलब फार्मर टू कंज्यूमर तक पहुँचाने का हम अच्छा एक माध्यम जो बने माध्यम बनाते हैं, और अच्छा क्वालिटी बेस्ट प्राइस जी, और घरों घरों में पहुँचाने का भी काम करते हैं। गणपति में भी कोविड में हमने देखा तो होम सर्विस लोगों ने प्रेफरेंस दिया था, हम हर किसी कस्टमर के बिल्डिंग के नीचे जाके वो गणपति का मूर्ति आइडल जो भी है वो वहाँ पे जाके देख के आते थे, वैसा ही मैंगोज का भी हम मतलब महाराष्ट्र में हम अभी तक पहुँचे थे, आज हम नागपुर दिल्ली नोएडा हरियाणा कोलकाता बेंगलोर ऐसे सिटी में भी हम पहुँच चुके हैं। आज नहीं बोला तो देवरत्न मैंगोज करके हमारी फर्म है, रजिस्टर ब्रांड है, वो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं www.devaratnamangoes.com करके हमारी वेबसाइट है, वो नाम से आप ऑनलाइन भी बाइंग कर सकते हैं। गणपति का इन ये साल तो नहीं पर नेक्स्ट ईयर से हम कोशिश करेंगे कि भाई गणपति का भी ऑनलाइन आपके घरों तक इको फ्रेंडली गणपति पहुंचाने का काम करेंगे, और प्री बुकिंग में आप अगर बुकिंग करते हो तो गणपति के जिस दिन स्थापना है उसके 2-3 दिन या 4 दिन पहले आपके यहाँ पे महाराष्ट्र में या भारत में कहीं पे भी ले पहुँचाने का हम काम करेंगे। आज देखने जाए तो शुरू से या आज नहीं बोला तो 50-60 कस्टमर तो हमारे यहाँ से लंदन यूके यूएसए और अलग अलग कंट्री कनाडा वगैरह में 5-6 कस्टमर मेरे यहाँ से कनाडा के लिए मूर्तियाँ लेके हम यहाँ से पैकिंग करके कनाडा भी भेजा हुआ है, और कस्टमर खुद भी बाय सेल्फ लेके जा रहे हैं, और पहुँचाने के बाद उनका वीडियोज़ भी आ जाता है मूर्ति अच्छी तरह से पहुँच गई, और
एटमॉस्फेयर में देखने जाए तो वहाँ के जो फ्रेंड सर्कल है वो भी बहुत अच्छे सेटिस्फाइड है क्या उनके है? बहुत बढ़िया है ये। और आगे जाके जैसे कि आपने व्यवसाय, हर एक व्यवसाय में आपने हाथ लगाया है, तो आप यंगस्टर्स को किस तरह से प्रेरित करना चाहेंगे? एक म्हटलं जातं तसं मराठीमध्ये, मराठी माणूस हा नोकरी करणारा नाही, व्यवसाय करणारा असावा। त्या पद्धतीमध्ये आपणही मी एक मराठी बांधवांना, बहिणी भगिनींना विनंती करेल की आपण व्यवसायात उतरावं। रिक्स ही प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आहे, त्याचा आपण कशा पद्धतीने मार्केटिंग केलं पाहिजे, कशा पद्धतीने आपली प्रोडक्ट विकला गेला पाहिजे, ह्याच्यावरती थोडा प्री अगोदरच त्याचं नियोजन जर आपण योग्यरित्या जर केलं तर ते भविष्यामध्ये आपल्या फ्युचरच्या दृष्टिकोनातनं ती वस्तू, गोल सुरुवातीला एकच ठेवा, एकच वस्तूवरती कॉन्सन्ट्रेट करा आणि तो विक्री करा, बाकी सर्वस्व पाहायला बाप्पा आहेच। थँक्यू सो मच। आपको अगर बेहतरीन मूर्तियाँ चाहिए एंड टेक इट फ्रॉम मी, दे आर ब्यूटिफुल ओवर हियर। श्री गजानन कला केंद्र में आइए, घंटाली मंदिर नौपाड़ा थाने सत्यम कलेक्शन के सामने ही आप आइए प्लीज़। यहाँ से मूर्तियाँ खरीदिएगा, बहुत ही सुंदर और बेहतरीन मूर्तियाँ थी। ये है सचिन मोरे हमारे बीच। थैंक यू सो मच सचिन मोरे जी, बहुत ही बेहतरीन कहा आपने हमारे सब व्यूअर्स के लिए। तो ऐसे ही देखते रहिए अगले वीडियोस के लिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।